डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। वो सब्जेक्ट आपका है जेनेटिक्स। पहले हम अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। आई एम धीरेन्द्र कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ स्टार्ट वन बाय वन टॉपिक। लेक्चर टॉपिक फर्स्ट की हम लोग बात करें, दैट द मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड टॉपिक द एलेलिक एंड नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। थर्ड टॉपिक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, दैट द रिकॉम्बिनेशन। फोर्थ टॉपिक इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। फिफ्थ इज द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, जीन स्ट्रक्चर, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीन मैपिंग बाय 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक सिंड्रोम या वी कैन से डिसऑर्डर, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। 17 इज द मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग, देन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम टू बी यूज इन जेनेटिक्स या जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एंड लास्ट वी डिस्कस अबाउट द डाउट्स इन जेनेटिक्स। ओके, नाउ स्टार्ट ब्रीफ डिस्कशन। टॉपिक वन, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट टॉपिक इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, वी डिस्कस अबाउट द जेनेटिक्स। सेकंड टॉपिक इज द मेंडल हिस्ट्री, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी डिस्कस अबाउट द मेंडल हिस्ट्री। नेक्स्ट इज द मेंडल एक्सपेरिमेंट। फोर्थ इज द मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इफ वी डिस्कस अबाउट द मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो देर आर थ्री लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ स्प्लिट ऑफ जीन, एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक वी कवर इन लेक्चर। सेकंड टॉपिक इज द एलेलिक एंड नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। एलेलिक जीन इंटरेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंडेलियन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज मॉडिफाई एज पर देयर जीन इंटरेक्शन फॉर द एलेलिक। एलेलिक जीन इंटरेक्शन में हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड लीथल जीन। नेक्स्ट टॉपिक नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस एंड पॉलीजीन। थर्ड टॉपिक इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी डिस्कस अबाउट द डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन अबाउट द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सेकंड वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ लिंकेज, दैट इज द टू टाइप, कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट। थर्ड द क्रॉसिंग ओवर, we discuss about the mechanism of crossing over, and last we discuss about the genetic map and linkage map. Topic 4, we discuss about the sex determination. This is the most important mechanism to be used for identification of sex, that is a male and female. In this topic we discuss about the chromosomal basis of heredity. Next topic is the chromosomal basis of sex determination. Topic 5, this is the most important topic, sex link inheritance. We discuss about the Y linked gene and X linked gene inheritance. Topic 6, we discuss about gene structure. This is the most important. तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए मॉडल। टॉपिक 7, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, वी डिस्कस अबाउट द जीन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट, and also discuss about the packaging of DNA, that is the nucleosome formation. Topic 8, we discuss about the DNA act as a genetic material. There are three different experiments. They explain that DNA act as a genetic material. First is the transformation experiment given by F. Griffith. Second experiment is the Avery-Magliot-McCarthy experiment. And last is the Hershey and Chase experiment. This is the most important experiment. They proved that DNA acts as a genetic material. This is the most important. Next topic is the RNA acts as a genetic material. These are studies in tobacco mosaic virus. Isko tobacco mosaic virus mein discussion kiya gaya tha ki how RNA acts as a genetic material. This is the most important topic. Next topic is the central dogma of molecular biology given by Crick. And he discuss about the flow of genetic information, how the genetic information flow. This is the most important topic. We say gene expression, that is the DNA converted to RNA, then protein. This is the important topic.
नेक्स्ट टॉपिक इज द टॉपिक 11 जेनेटिक मैपिंग बाय 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट टेस्ट क्लास दिस आर इम्पोर्टेंट। टॉपिक 12 डीएनए रिप्लिकेशन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन। सेकंड वी डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट हाउ डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस एंड लास्ट वी डिस्कस अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन मैकेनिज्म हाउ डीएनए मॉलिक्यूल रिप्लिकेट। दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक 13 इफ डीएनए मॉलिक्यूल रिप्लिकेट, इसमें हम लोग जानते हैं डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है तो देर इज सम मिसमैच, अगर देर इज सम मिसमैच टेक प्लेस हाउ दिस मिसमैच करेक्ट, तो डेट इज नोन एज डीएनए रिपेयर। इसमें हम लोग बात करेंगे डीएनए रिपेयर के बारे में, डीएनए रिपेयर कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हम लोग डीएनए को रिपेयर करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, डेट इज नोन एज टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। टॉपिक 15 में डिस्कस करेंगे जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन की बात करें, आपके जीन म्यूटेशन की हम लोग बात करें, सडन जो वेरिएशन होता है आपके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में, उसमें हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे जेनेटिक म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन होता क्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाउ म्यूटेशन टेक प्लेस, तो इसमें होता है डेट इज नोन एज म्यूटाजन। म्यूटाजन आपके ऐसे एजेंट होते हैं दे कॉज म्यूटेशन। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देर आर वेरियस टाइप ऑफ म्यूटेशन वी डिस्कस इन दिस टॉपिक। फिजिकल, केमिकल एंड अदर स्ट्रेस, मैंने वाइड रेंज ऑफ म्यूटाजन। म्यूटेशन में हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ म्यूटेशन विथ एग्जाम्पल, कि कितने टाइप के म्यूटेशन है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वन बाय वन। लाइक जैसे सिकल सेल एनीमिया इज द सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन वी डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल व्हेन डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ म्यूटेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। टॉपिक 15 जेनेटिक सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है अभी तक जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे CSIR हो, चाहे गेट हो, चाहे बायोटेक या लाइफ साइंस का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक सिंड्रोम का एक क्वेश्चन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन लोग पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए टू आरएनए में कन्वर्ट होता है। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसे हम लोग बात करेंगे कि हाउ मेनी फैक्टर रिक्वायर इन ट्रांसक्रिप्शन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होता है, और ये आपका ऐसा टॉपिक आपका है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें भी हमने डिस्कस किया, चाहे CSIR हो, चाहे गेट हो, चाहे अनदर आपके किसी भी आपके यूनिवर्सिटी के आपके एग्जाम हो, चाहे MSc के लिए, चाहे MTech के लिए, चाहे PhD के लिए हो, चाहे BTech के लिए, चाहे हम कोई भी एग्जाम की बात करें, जैसे IIT में एग्जाम होते हैं, UP2 के एग्जाम होते हैं, बायोटेक के, तो इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन 100% रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है किसी भी हम लोग आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो मॉड्यूल्स है जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा और आपके साथ हम हमेशा रहेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक 17 मैसेंजर आरएनए। अब इसमें देखा जाए जब डीएनए टू आरएनए कन्वर्ट होता है तो आपके प्रोकैरियोट में कहां हुआ, इन साइटोप्लाज्म, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में आरएनए बना, दैट द प्री मैच्योर आरएनए, लेकिन ये प्री मैच्योर आरएनए को क्या करना है, ट्रांसफर होना है कहां पे, माइग्रेट होना कहां पे, आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो दिस द इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोसेसिंग उसको करेंगे, दैट द पॉलीएडेनाइलेशन या वी कैन से कैपिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे 17 चैप्टर में। 18 में डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। देखा जाए एंजाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दे इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे हम लोग रिप्लिकेशन की बात करें या किसी अनदर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें या ट्रांसलेशन की बात करें, तो दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, दैट द पॉलीमरेज एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। जब डीएनए की क्वाइलिंग हो जाती है, क्वाइलिंग ऑफ क्वाइल, दैट नोन सुपर क्वाइल। अब सुपर क्वाइल का यदि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करें, दैट द टोटली इम्पॉसिबल, तो उस डीएनए को क्या करता है टोपोआइसोमेरेज, उसको क्या करता है एक नॉर्मल डीएनए में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, देन टोपोआइसोमेरेज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंपल फॉर्म ये डीएनए को कन्वर्ट करता है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक में आगे। जी ओके जी, इसी में हम लोग बात करते हैं आपके ट्रांसलेशन के बारे में, आपके प्रोकैरियोट यूकैरियोट के ट्रांसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन और ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके एग्जाम में भी आता है, कोई भी एग्जाम ले ले, अभी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इन लास्ट वी डिस्कस अबाउट द डाउट, अब जितने भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का, उसमें कोई भी डाउट होगा उसको हम लोग आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, टेस्ट होगा, असाइनमेंट होगा, आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो कोर्स कंप्लीशन के लिए आपको एक सर्टिफिकेट आईटीएलएस एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगा कि सक्सेसफुली आपने क्या किया, कोर्स को कंप्लीट किया। थैंक यू। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर में हम लोग जेनेटिक्स क्यों पढ़े, तो इसमें देखा जाए पूरी हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, टैक्सोनॉमी की बात करें, या हम इवोल्यूशन की बात करें, यदि हम लोग किसी की बात करें तो उसमें देखा जाए जेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है। जैसे आपका कोरोना वायरस का है, इसमें देखा जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपका इफेक्ट है, तो इसमें भी क्या है कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके जीन सीक्वेंस की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मेंडल ने एक्सप्लेन किया था कि आपके हेरिडिटी आपके मेंडल होते जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो जेनेटिक्स बहुत ही आपका जिसको बोलता है हार्ट ऑफ लाइफ साइंस बोला जाता है जेनेटिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग को, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम होते हैं और ये टॉपिक जो हमने आपको कवर किया है, ये आपके सीएसआईआर हो, चाहे गेट हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपके एग्जाम हो, आपके ओन के एग्जाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, उनके एग्जाम के सिलेबस पूरे आपके कवर करते हैं, इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा और उम्मीद करेंगे कि आपका ये जेनेटिक सब्जेक्ट को हम इतना अच्छा कर देंगे, शायद आप लोग याद करेंगे। थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट।